बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ ये एक दत्ताखेल तहसील से तारुक रखने वाले रफीउद्दीन मौजूद हैं यहाँ पे, और ये खुद जो है एक साल लापता रहे हैं। इसको 22 जून 2015 को उठाया गया था अपनी तहसील से। ये क्योंकि माल मवेशी के कारोबार से वाबस्ता थे, ये खुद सही बोल नहीं सकता पहले। तो ये हुआ ये है कि जब इनके जो है मवेशी पीछे रह गए थे, तो उस मवेशी के लिए ये गया हुआ था, और फिर आर्मी वालों ने उनको उठाया, फिर इसको एक साल गायब भी किया रखा। हालांकि इनको पता भी है कि ये बंदा बोल नहीं सकता, गूंगा है, लेकिन इसको जो है जो टॉर्चर पर किया गया है, आप खुद देख सकते हैं, ये इनके नाखून जो है उनको निकाले गए थे, और ये इसके जो ऊपर जो कट्स लगे हुए हैं, ये कट्स जो है, ये वाले जो कट्स हैं, ये उन्होंने बाकायदा ये उसको ऊपर किया है। ये जो टॉर्चर इनको जो है किया गया है, इसकी वजह से इसकी जो है नज़र वो भी गायब हो गई है, अभी वो अभी देख भी सही नहीं सकता। और नोदा तब इशारा पता दस्ते उतार शायद मतलब से दस रात तक शुरू हुआ सी कोशिश बड़ा नकड़ा हो निकले तो ना वो कुशल नहीं किसी निकले दस ये तो इससे वाजह है कि यहाँ की जो आर्मी है ये इंसानियत के नज़दीक से भी नहीं गुजरी। यहाँ पे घूम के जो बोल नहीं सकते, इनके पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाई ये सिर्फ पता करते कि ये बंदा बोल नहीं सकता, और ये इसके ऊपर जो टॉर्चर किया गया है इंतहा, इनके नाखून निकालना, यानी ये तो हमने कई जो है वाकयात वगैरह सुने थे, मैंने अपनी किताब में भी ये सब कुछ लिखा था। जो टॉर्चर किया जाता है वो कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जो टॉर्चर ये पाकिस्तान आर्मी जो है वो करता। तो ये भी एक जो केस है वो इस तरह का है।